एसएम न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जंतर मंतर पर अनुसूचित जनजाति को लेकर यहाँ पर काफ़ी बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन है। आइए हम जानकारी लेते हैं जो आज का जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है अनुसूचित जनजाति का जो मैटर है, आइए हम उन्हीं से मालूम करते हैं कि उनकी क्या मांग है, किन मांगों को लेकर यहाँ जंतर मंतर पर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया है। सर आपका नाम? जी मेरा नाम हिजम राजेंद्र। धन्यवाद आपने मेरे को ये अवसर दिए हैं। मैं इस मंच में इसलिए आया कि मितई जाति जो मणिपुर असम त्रिपुरा में जो बसे हुए हैं उनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिलना चाहिए शेड्यूल ट्राइब की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 342(1) के अंतर्गत इनको शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में आना चाहिए। ये है हमारे मांग। ये कुछ लोगों की गलत धारणा होते हैं कि उनकी हिस्सेदारी से उनकी पार्ट से जो उनकी कोटा और ये जो है चले जाएगा, लेकिन हम कोटा की मांग नहीं करें। हम सिर्फ शेड्यूल ट्राइब में हम अपने को एज ए इंडिजिनस पीपल ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड जो ये मांग रहे हैं। 2011 में भारत सरकार ने मणिपुर को एक हिल स्टेट डिक्लेयर किया है। हिल स्टेट में हिल में कौन रहता है? एक जनजाति रहता है। हिल में कौन रहता है? ट्राइबल पीपल रहता है। हिल में कौन रहता है? एक इंडिजिनस पीपल रहता है। इंडिजिनस पीपल मीन्स क्या होता है? वो सिल ट्राइब होता है। तो हम उसी को हमको जो है एक किस कंडीशन में हमको उससे बाहर रखा गया, ये बड़ी कानून की लड़ाई है। ये सरकारी जो उनकी पक्ष की वो क्या रखते हैं, हमने मणिपुर सरकार को 2015 से हम इसको मांग करते आ रहे हैं। 2000 से जो है असम सरकार से हम मांग करते आ रहे हैं। त्रिपुरा सरकार को हम मांग करते आ रहे हैं। त्रिपुरा सरकार में तो 1971 से हम लड़ाई करके आ रहे हैं, लेकिन आज तक त्रिपुरा सरकार ने हमें उसी कोई ठोस जवाब नहीं दिया, ना कि मणिपुर सरकार ने कोई ठोस जवाब नहीं दिया। मैं चाहता हूँ मिस्टर बीरेन हमें जो इसके जवाब जो है इन दिनों इसी आज की धरना के बाद जो है हम राष्ट्रपति को हम अपनी ज्ञापन दे रहे हैं। मिस्टर बीरेन मणिपुर के चीफ मिनिस्टर जवाब दें हमें कब इसके जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है हमें मिलेगा। हम राष्ट्रपति को इसका साथ साथ जो हम असम सरकार को हम ज्ञापन दे रहे हैं, हम असम सरकार को बता रहे हैं हम अब इसकी जो है उत्तर की हमारा मांग की उत्तर दें, हमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है हम दें। हमें किसी का हक छीनने का नहीं होता है। हमें हम अपनी जगह पर हमें ज़मीन हमारा जायदाद जो हमें पुरखों ने छोड़ करके गया हम उसी को। इसका साथ साथ जो मणिपुर एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है एक बॉइलिंग रीजन है, बहुत जो है एक संवेदनशील जो ये हिस्सा है। ये यहाँ पर जो है नागा कुकी कई जनजाति रहते हैं, कई शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब रहता है। इवन सिर्फ सिंगल मणिपुर के अंदर 32 डायलेक्ट एंड 1 मेजर लैंग्वेज मितई लोन जिसको मणिपुरी भाषा कहला जाता है, ये आपस में एक दूसरे को राजनीतिक अपनी फायदा के लिए एक दूसरे के तलवार ताने हुए हैं। इसको इस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हमें मितई जनजाति को अगर इस लिस्ट में आ जाते हैं तो हम एक ही प्लेटफॉर्म में रहेंगे। हमें ऊंच नीच के कोई भेदभाव नहीं रहेगा। तो हम उसकी वजह से हम जो है मितई को जो है इस एसटी के लिस्ट में अंडर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 342(1) के अंदर जो हम मांग कर रहे हैं। सिंघा जी, आप अनुसूचित जाति में ही क्यों मांग कर रहे हैं और जो जातियां हैं उसमें क्यों नहीं मांग कर रहे हैं आप? हमारे पुरखे हमारे ये 1950 में जब ब्रिटिश के लिस्ट में हमको जो है एक शेड्यूल ट्राइब के तौर पे रखा गया था, हमारा जो पुराना हिस्ट्री जो है हम एक शेड्यूल ट्राइब है। इसमें 1951 के बाद जो शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल कास्ट की जब कमेटी बने थे, कुछ समाज की जो कुछ जो हम उसको कहना नहीं चाहते, उन्होंने अपनी ओवर स्मार्ट समझिए कैसे भी समझिए अपने आप को अपर जाति के जो है उसको साबित किया। अब पांव के नीचे से जब ज़मीन निकल गए तो तब पता चला कि हमको क्या करना चाहिए। आज के दिन पर इम्फाल मणिपुर की जो कैपिटल है वहाँ पर जो कर्नल लोकेंद्र और प्रोफेसर रंजीत की अगुवाई में वहाँ पर धरना पर बैठा हुआ है, असम की असेंबली के सामने मिस्टर बिजोन सिंह उनकी अगुवाई के सामने बैठा हुआ है, त्रिपुरा अगरतला में बैठा हुआ है मिस्टर एडवोकेट खोगेन सिंह की उनकी अगुवाई पर बैठा हुआ। मैं यहाँ पर बैठा हूँ अपने समर्थकों के साथ अपने राष्ट्र जनहित संघर्ष पार्टी जी। हम ये बात करें कि आपने बोला है कि उस समय ओवर एक्टिंग किया गया था, अगर उस समय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बात को माना जाता तो आज आपको ये परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। मैं बाबा साहब अंबेडकर को मैं सलाम करता हूँ। उन्होंने जो सराहना की है तो उनकी उसमें भी बाबा साहेब अम्बेडकर हर जगह तो जा नहीं सकता।
मैंने राजरतन उनके परपोते राजरतन जी से बात की है, हाल ही में बात की है, अम्बेडकर भवन में बात की है। मैं उसके फुटेज भी मैं आपको दे सकता हूँ, मैं वो ज्ञापन भी दे सकता हूँ। मैंने राजरतन जी को एक चिट्ठी थमाई है हमारा उस मीटिंग में, हम राजरतन जी को बोले आइए मणिपुर में, आइए जो नॉर्थ ईस्टर्न सेक्शन में हमारे जो नॉर्थ ईस्ट की जो शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट जो है हम आपका साथ है, आप उनको हम मणिपुर आसाम की लोग नागालैंड त्रिपुरा के लोग जो है हम आपकी तरफ देखते हैं, हमें साथ कोई लेकर के चलें, दिल्ली से कोई आए हमें जो साथ लेकर के चलने के लिए, हम पीस प्रोसेस लाना चाहता है मणिपुर नागालैंड आसाम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, इसलिए हम इसको इस मांग पे हमको अगर सपोज एसटी लिस्ट में आ जाते हम एसटी स्टेटस में आते हैं तो हमारा कोई भेदभाव नहीं रहेगा मणिपुर नागालैंड आसाम एंटायर नॉर्थ ईस्ट जो है एससी एसटी के डिक्लेयर्ड स्टेट है, बट सिर्फ मात्र मणिपुर एक ऐसे स्टेट है उसको स्टेप मदर की तरह जो है अलग रखा गया। हम अपनी होम मिनिस्टर जी से हम मांग करते हैं, अपनी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मांग करते हैं, हम अपनी राष्ट्रपति जी से मांग करते हैं और मिस्टर बीरेन इसके जिम्मेदारी होंगे, मिस्टर बीरेन से हम जवाब मांगेंगे। हिजम राजेंद्र सिन्हा जी ने मांग की है कि राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री से कि मणिपुर एक ऐसा क्षेत्र है जिन्होंने बड़े पैमाने पर सरकार बनाई है गिराई है और उसके उपरांत अभी तक जो इन्हें अधिकार मिलना था वो अधिकार नहीं मिल पाए हैं, उन अधिकारों को लेकर आज ये जंतर मंतर पर अपने आप को अनुसूचित जनजाति में गिनती कराने की बात कर रहे हैं। और इन्होंने बताया कि जो हमारे पहले पूर्वज थे वो अनुसूचित जनजाति में थे और इन्होंने बताया कि समाज के कुछ लोगों ने ओवर एक्टिंग करके हमारा नुकसान किया, उस नुकसान की भरपाई करने के लिए अभी जगह गिनाई इन्होंने कि जहाँ जहाँ धरने प्रदर्शन चल रहे हैं उन्हीं सब चीज़ों को लेकर राजेंद्र सिन्हा जी ने बहुत अच्छी बात की, अनुसूचित जनजाति में तब्दील करने की बात की है। कैमरामैन गौतम के साथ मनोज पिप्पल।